नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भाजपा को भारी पड़े कीर्ति आजाद निलंबन पर बवाल। डीडीसीए मामले में सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित करके भाजपा ने एक नई मुसीबत मोल ले ली है। सभी राजनीतिक दलों ने कीर्ति के भाजपा से निलंबन पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने सफाई में कहा कि कीर्ति पर पार्टी लाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निलंबन का जवाब मैं आज दूंगा, मेरी लड़ाई पार्टी के बाहर की है। डीडीसीए का मुद्दा पार्टी का मुद्दा कैसे हो सकता है? कोई मेरी गलती तो बताए, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? आजाद ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी बोली, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। केंद्र सरकार सांसदों के वेतन और भत्तों को दुगना करने की तैयारी में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा विधायकों का दुगना वेतन और भत्ता करने के बाद अब केंद्र सरकार सांसदों के वेतन और भत्तों को दुगना करने की तैयारी में है। वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सांसदों को हर महीने 2,80,000 रुपए वेतन मिलने लगेगा। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में सांसदों को मिलने वाले वेतन को 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 करने की सिफारिश भी शामिल है। प्रस्ताव में सांसदों की मूल पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 35,000 भी करने को कहा गया है। रेलवे ने बढ़ाए तत्काल टिकटों के दाम, अब न्यूनतम 100 रुपए देने होंगे। रेलवे ने तत्काल टिकटों हेतु लिए जाने वाले चार्ज में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है। स्लीपर क्लास का ही न्यूनतम तत्काल चार्ज 100 रुपए और अधिकतम 200 रुपए कर दिया गया है। पहले ये चार्ज क्रमशः 90 और 175 रुपए था। इसके अलावा एसी चेयर कार में नया तत्काल चार्ज न्यूनतम 125 रुपए और अधिकतम 225 रुपए होगा। पुराना एसी चेयर कार में तत्काल चार्ज न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 200 रुपए होगा। थ्री टीयर एसी में नया तत्काल चार्ज न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 400 रुपए होगा, जो अभी तक न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 350 रुपए था।